अस्सलाम वालेकुम मार्को व्लॉग्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं दानिश भाई को मैं सुबह सुबह जाके पिक कर रहा हूँ, और सुबह सुबह ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लाहौर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद में था 1.5 मंथ से। तो आज हम अपने हल की जो है वो मेंटेनेंस करेंगे क्योंकि उसको किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया, उसकी बैटरी चेंज होनी है, ऑयल चेंज होना है, और आज मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने चैनल का भी लोगो लगवा लें उसके ऊपर। हाँ, असल में जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जा रहे हो इस्लामाबाद, उससे पहले कोई स्टार्ट कम अज़ कम कर लो उसको ताकि वो सेल्फ उठा सके, तो वो हम जाके अब देखेंगे तो पता लगेगा। अब हम जा रहे हैं अपने हल के पास, तो लेट्स सी के क्या होता है। साथ में हम आज कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए, हम लोग उसके ऊपर एक अपना लोगो का मार्क और का हम स्टिकर भी लगा लें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्टे ट्यून्ड विद अस, पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जी तो गाइस वही डर है जो हमें था पहले ही कि नहीं होगा स्टार्ट क्योंकि इसकी बैटरी खराब है। नहीं तो इसका जरा वो इंजन एक मिनट खोल के देखो, थोड़ा टर्मिनल हिला के देखते हैं शायद हो जाए। कार्बन तो है लेकिन बैटरी चेंज होने वाली है, फायदा ही नहीं है। नहीं मुझे लग रहा बैटरी ही चेंज हो। हाँ, और इसका ये गाइस ऑयल भी बहुत गंदा है, ये भी चेंज होने वाला है, और ये कम भी हो गया। चलो ठीक है, फिर इसको लेके चल। जी गाइस, सो अब चलते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट कर ली गाड़ी धक्का लगा के, और इसके अंदर शहजाद साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। बाजी शाम साहब इसको सही करवाने किधर लेके जा रहे हैं? साहब के हाथ ही है, और कुछ नहीं है। किधर लेके जा रहे हैं इसको सही करवाने? सर पहले हम जाएंगे बैटरी वालों के पास, और उसके बाद क्योंकि बैटरी का मेन काम ऑयल शॉयल का काम, कम अज कम स्टार्ट तो हो जाए ना गाड़ी, उसके बाद फिर दूसरे हम ब्रेक ऑयल वगैरह और बाकी सारा कुछ देखते हैं। सर्विस भी करवानी है? सर्विस भी करवा, हमारे शहजाद साहब गाड़ी नहीं देते टाइम से, तो सर्विस करवानी पड़ती है हमें। नहीं वैसे इसने चमका के रखी है, बस ये है कि स्टार्ट सर्दी बहुत होती है, क्या करें भाई। चलो फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे अपना व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी तो बॉयज, ये हमारा बैटरी पुरानी खुलने लगी है, जिसकी कंडीशन तो जैसी है, ये हमारी इंजन की कंडीशन है, एंड दिस इज आवर हल। और ये वाली भी हमारी, तो अभी काम शाम होता है तो फिर आपको बताते हैं। वो खड़े हैं हमारे दानिश साहब। दानिश साहब आपका क्या कहना है भाई? ये पहले बैटरी का काम हो जाए, फिर दूसरी चीज़ें भी देखते हैं, जो जो इसके अंदर फॉल्ट निकलते जाएंगे वो करवा लेंगे आज के दिन ही, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको सही कर लेंगे। और स्टिकर भी हमारा रहता है आज, और हमारा आज का स्टिकर भी है, तो वो हम कर लेते हैं, और बाकी स्टे ट्यून्ड, अब देखते हैं आगे क्या सीन है। अभी पहले बैटरी चेंज हो जाए एक दफ़ा। यहाँ से हमने बैटरी करवाई है, और बैटरी भी दिखा दो कैसी फिट है। और बैटरी भी जो है बहुत अच्छी फिटिंग की है, और आप अगर कभी आए तो ये भाई हैं, इनको आप बताइएगा कि आपने हल्की की थी बैटरी चेंज, तो ये आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। आपका नाम क्या है? वकास भाई हैं ये, और बाकी इनका नंबर इनके वो बैनर के ऊपर लिखा हुआ है। जी तो गाइज, अब हम ये आ गए हैं गो के पंप पे, और ये हमारे पास फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है, और अभी ये पंप पे आ गए हम, और बाकी सीन्स ये हैं कि
हम आपको ना अभी इसका ऑयल चेंज होता है दिखाते हैं, और आज बहुत मोटा खर्चा ही हो गया है। क्यों दानी साहब? बस आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, पता चल ही जा रहा है ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये गाड़ी हम इंशाल्लाह जबरदस्त कर देंगे। चले तो अब आपको नेक्स्ट शॉट में मिलते हैं। मार्को फैमिली, ये फर्स्ट टाइम मैं गो के पंप से डलवा रहा हूँ, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ, गो पेट्रोल पंप के साथ। बाकी ये हमारी आ गई हैं दोनों बोतलें, तो अब चेक करते हैं कि क्या सीन है। ये भी डलती हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका रिव्यू भी देते हैं कि इंजन का क्या हिसाब किताब है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी हम इसके ऊपर चेकिंग वगैरह थोड़ी सी करवानी है वो करवाते हैं, और जो सर्विस है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि इमरजेंसी के जाना भी है हमें, तो 2 बजे से पहले पहले हमने सारा काम ख़त्म करना है। तो लेट्स सी कि अब क्या बनता है। जी तो मार्को फैमिली अभी फ्री हुए हैं हम, लाइक अभी 6:30 हो रहे हैं, आई गेस 6:30 बज रहे हैं शाम के, 6:29 हो रहे हैं, और दानिश भाई और मैं अभी काम करके सारे ख़त्म हुए हैं। जिस जिस तरह गाड़ी खोल रही थी इसके काम हो रहे थे, और आज बहुत ज़्यादा इस गाड़ी ने खर्चा करवा दिया हमारा, खर्चा भी करवा दिया और टाइम भी बड़ा लिया है। हाँ टाइम भी बहुत लिया है, और अब आप लोगों को हमने जितनी भी हमने निगोशिएशन कर सकते थे हमने कर लिया है, और लेकिन फिर भी खर्चा हमारा बहुत हुआ है। और उसके अलावा लेकिन ये है तो शाम के खर्चा जब हुआ है तो वो बता रही है गाड़ी के प्रॉपर उसका जो चलाने के अंदर उसका फ़र्क आया है वो बहुत। हाँ ये चीज़ है कि चलाने में गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे हम लोग चले गए थे लेकिन गाड़ी का काम हो रहा था जो हमने एड ऑन नहीं की वीडियो में। बाकी का ये सीन है कि अब नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आर on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. जी तो मार्को फैमिली, इस टाइम दानिश भाई और मैं अभी तक हम इकट्ठे बैठे हुए हैं
हमने गाड़ी के सिनेमैटिक्स बनाए और हमने उस दौरान एक वीडियो भी शूट की है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। हाँ, अदर देन दैट हमने कहा कि हम आपको थोड़ा सा एस्टिमेट भी बता दें हमारी गाड़ी पे कितना लगा है। तकरीबन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर वगैरह हर चीज़ जो है 11,000 के करीब वो थी। फिर बैटरी इसकी चेंज हुई 10,500 की वो थी और ऊपर स्टिकरिंग वगैरह हुई और डिफरेंट लेबर भी और साथ में जो लेबर वगैरह हर चीज मिला के अप्रोक्स 30 लग गया हमारा, सब कुछ करा के। हाँ, अप्रोक्स हमारा 30 लग गया। और इस टाइम एनर्जी बिल्कुल नहीं है हमारे में क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस गाइस। असल में बात पता क्या है, आप इस एज के अंदर जब आप मैकेनिकल कामों के अंदर घुसते हैं तो बहुत से एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। हम भी ये एक्सपीरियंस आहिस्ता कर रहे हैं और हमें अब आहिस्ता पता चल रहा है कि कितना डिफिकल्ट होता है ये सारा कुछ करवाना, खड़े होके लेबर के ऊपर तो काम करवाना भी एक बड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले करवाते थे मेजर काम वर्कशॉप से, ठीक है, अब हम कराते हैं इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे काम, जिस तरह लाइट लग गई ग्रीन वाली और वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो जिस तरह आपने देखा था कि पहले तो शुरू में स्टार्ट ही नहीं, इस व्लॉग के शुरू में आपने देखा है कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, और अब बाद में अपना एक्सपीरियंस बताओ। और अब तो आप चाहें तो हल्का सा पाँव रखे तो 80 विदिन 2 seconds तो इजीली चला जाता है सेकंड गियर में, 80-90 गाड़ी एकदम बूम कर रही है और एक्सेलरेशन बहुत अच्छी हो गई और है भी ये डीजल है तो इसलिए अब इसका इंजन वगैरह हर चीज खुल गया हुआ है। बाकी अभी तो मेरे में तो एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि हमने वीडियोस भी शूट किए हैं। इसी नोट पे गाइस फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं दोबारा चलते चलते। अल्लाह हाफिज़।